नमस्कार दोस्तों, मौसम समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के 17 राज्यों में दो दिन बाद बदलेगा मौसम। 8 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। मुंबई और तमिलनाडु में 5 फुट तक ऊंची लहरें उठने को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे कई राज्यों को अगले 8 दिन तक राहत मिलने जा रही है। आज रात से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसके चलते पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बदलेगा मौसम और बारिश होगी। फिलहाल दोस्तों, उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में हीट वेव से पारा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं आंध्र प्रदेश के नांदेड़ का तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ने अगले 36 घंटों के लिए मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में हाई टाइड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान समुद्र से लगभग 5 फुट तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। एक दिन पहले केरल और तमिलनाडु में भी मौसम विभाग ने हाई टाइड अलर्ट जारी किया था। अगले दो दिन कैसा रहेगा देश भर का मौसम, आपको बता दें दोस्तों, 5 मई को मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं इसके अलावा 6 मई को असम और मेघालय समेत देश के 17 राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में अलग अलग जगहों पर लू चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा असम और मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश यानी कि भारी बारिश जो है 6 मई के दौरान देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि असम और मेघालय में 6 मई के दौरान 204.4 mm से भी ज्यादा भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें कि देश के कौन कौन से राज्यों में अगले दो दिनों के दौरान यानी कि 5 और 6 मई को हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 227 मंडलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। तो वहीं इसके अलावा केरल के 14 में से 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 मई को बारिश की संभावना जताई है। 9 से 11 मई तक मौसम विभाग ने प्री मानसून के तहत मौसम बदलने को लेकर संकेत दिए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अब आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान प्री मानसून का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा अपडेट जारी किया है दोस्तों, उसके अनुसार 6 मई से देश के कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में 4 मई से 9 मई तक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है और साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों नॉर्थ इंडिया यानी बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी अगले दो दिनों के दौरान मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। अब दोस्तों बात करें कि अगले दो दिनों के दौरान देश भर के कौन कौन से राज्यों में कहां कहां पर बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आगे देश भर के तमाम राज्यों के जिले अनुसार मौसम की जानकारी बताई जाएगी। 5 और 6 मई के दौरान देश के कौन कौन से राज्यों में कहां कहां पर बारिश होगी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें राजस्थान के मौसम की, तो मौसम विभाग ने राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन बारिश होने की संभावना यहां पर कम जताई है। वहीं आज शाम तक आसमान साफ हो जाएगा और अगले 3-4 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की उम्मीद जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दो दिनों में राजस्थान के कई जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं अगले हफ्ते दो दिन करीब 20 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है और गर्मी का ये प्रभाव 8 मई से वापस कम होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं दोस्तों बात करें पूर्वी राजस्थान के मौसम की, तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक
पूर्वी राजस्थान के जिलों में 8 मई से मौसम फिर से बदलने वाला है। एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा जिसके असर से राजस्थान के कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आंधी चलने के साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। यानी कि दोस्तों 8 मई के बाद राजस्थान के ज्यादातर जिलों में जो है भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 7 मई को पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 8 मई को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी दी गई है। यानी कि दोस्तों 8 मई तक राजस्थान के ज्यादातर जिलों में लू और हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि यहां पर 12 शहरों में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है और मध्य प्रदेश में 6 और 7 मई को बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं और पारा 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने बताया कि तेज गर्मी पड़ सकती है। ग्वालियर, खरगोन और खंडवा में हीट वेव यानी गर्म हवाएं भी चल सकती है। हालांकि 6 मई से मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल जाएगा और पूर्वी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। IMD ने जानकारी दी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हवा का रुख बदलने के कारण पिछली 2 रातों से मध्य प्रदेश के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। इनमें भोपाल समेत कई शहर शामिल हैं। वहीं दोस्तों बात करें 5 मई के मौसम की, तो 5 मई को मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छत्रपुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, खरगोन और खंडवा में हीट वेव चल सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा 6 और 7 मई को मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। IMD केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों ने बताया कि ईरान की ओर से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, इस वजह से 6 और 7 मई को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने झारखंड के लगभग 10 जिलों में जो पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान जताया है। इसके अलावा झारखंड के 10 जिलों में पारा जा सकता है 40 डिग्री सेल्सियस के पार। 5 जिलों में झारखंड में हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट और 6 मई को झारखंड में हो सकती है बारिश। दोस्तों झारखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि 2 दिन पहले तापमान में हल्की गिरावट आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।